मैंने फिटनेस असेसमेंट के बाद इनकी फैट लॉस जर्नी स्टार्ट करी, और फैट लॉस जर्नी स्टार्ट करने के बाद सर का एक कंसर्न था कि क्या हम लोग एक महीने के अंदर क्या 5 kg जैसा फैट लॉस कर सकते हैं। तो आई नो हम लोगों ने टारगेट अचीव कर लिया है और 5 kg हम लोगों ने वेट लॉस करा। वेट लॉस के साथ साथ हम लोगों ने और भी बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन किए, जैसे सर आज खुद बताएंगे कि क्या क्या इम्प्लीमेंट हुई है सर के बॉडी में। तो सर वेट लॉस के साथ आपने क्या किया, क्या इम्प्लीमेंटेशन हुई आपकी बॉडी में, जरा बताएं। डेली एक्सरसाइज करते थे सुबह शाम, डेली एक्सरसाइज नहीं, बदलाव क्या क्या हुए हैं आपकी बॉडी में? बदलाव हुए कि वेट कम हुआ है, और मॉर्निंग में जो एक्सरसाइज करते हैं उससे एनर्जी रहता है, बॉडी फ्लेक्सिबल भी हुई है। यस, जो आप बहुत सारे एक्टिविटीज जो जैसे बैठ नहीं सकते थे, उठ नहीं पा रहे थे, बहुत सारे नहीं सकते थे, आराम से बैठ लेते हैं। अभी भी आप देख रहे हो इनकी बॉडी का वेट काफी ज्यादा है और सेंट्रल ओबेसिटी काफी ज्यादा है। तो असेसमेंट करने से पता चलता है कि BMI कितना है, BMR कितना है। फिर हम लोगों ने निकाला तो पता चला कि हम लोगों ने इंच लॉस करा है एक महीने में, कुछ बहुत इंच भी लॉस किया है, फ्लेक्सिबल भी हुए हैं, और एक अच्छी जर्नी हम लोगों ने गुजारा। तो इसमें सबसे बड़ा रोल किस चीज़ का था? अच्छी डाइट का, अच्छा वर्कआउट का, और अच्छी रेस्ट का, और जो प्लानिंग था वो प्लानिंग हम लोगों ने किया। अभी हम लोग और लंबा चलने वाला है, और अभी हम लोग 3-4 महीना और प्लानिंग चल रही है हम लोग की फैट लॉस की, वो भी करेंगे, वो भी वीडियो दिखाएंगे। अभी अभी आप देख सकते हो सर, क्योंकि पहले बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ही फैट था बॉडी में, और एक्टिविटी के नाम पे नथिंग, कुछ नहीं था। अभी बहुत कुछ कर रहे हैं हम लोग, और इनकी एक जर्नी तो दिखाऊंगा, तो वो जर्नी देखने के लिए आप लोग रेडी रहना। हाँ, क्या बोलते हैं सर, कैसा वो जर्नी दिखाए सबको? तो दिखाएंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इनके साथ, जब हम लोग 60 डे कम्प्लीट कर लेंगे। थैंक यू सर।